जी दोस्तों, आज हम निकले हैं विजिट करने के लिए हेरिटेज विलेज। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियोस आपको दिखाऊँ कि ये सिटी कैसा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपको बहुत पसंद आएगा। पीछे जो है बस खड़ा हुआ है, हम इंशाल्लाह इसी बस में हम सफ़र करेंगे। तो मज़ीद आपको बताता चलूँगा कि हम कौन कौन सी लोकेशन पर पहुँचे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। ये अभी हम सलबो क्रॉस कर रहे हैं हर महिला। हम बस में बैठे हुए हैं, मेरे साथ जाहिद रिया साहब भी बैठे हुए हैं, और ये आप देख रहे हैं ले लो। ये भी हमारे दोस्त बैठे अभी हम नमाज का ब्रेक लेंगे, क्योंकि अभी 11:30 होने वाले हैं, नमाज का टाइम हो चुका है। ये करीना का एरिया है जहाँ पर हम अभी नमाज के लिए रुकेंगे। अभी हम नमाज के लिए उतरे हैं और नमाज के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम नमाज पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अला तौफीकी व एहसानी व शुक्रहु अला हिदायती व इम्तिनानी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारी पिकअप है जिसमें फूड वगैरह का अरेंजमेंट किया है। ये हमारे साथ चल रही है, ये देखें, फूड पानी सारा कुछ। और ये हमारी बस है जिसमें हम जा रहे हैं नमाज के बाद। ये हमारे म्यूज़िक की तैयारी हो रही है। हमारे जहाँ से भाई हैं जो अभी कोई नात पढ़ने जा रहे हैं, कव्वाली है, मिक्स कर रहे हैं माशाल्लाह। up।
अभी हम पहुंच गए हैं ये हेरिटेज विलेज के एक सिटी में जो पार्क है। ये आप पार्क मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पार्क बना हुआ है। और ये वो बस है जिस पे हम आए हैं यहाँ पर, कि इस वक्त खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियो बनाएंगे और मज़ीद आपको इस सिटी की हवाले से जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ जायद मियां भुट्टो साहब भी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये आज का सफ़र कैसा रहा। सही, बेहतरीन आज का सफ़र रहा। रास्ते में भी हमने बहुत इंजॉय किया, म्यूज़िक मस्ती। और यहाँ पर अभी हम एक पार्क में पहुँचे हैं ओशाइगर में। होपफुली वी विल एंजॉय मोर हियर। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू। लंच का इंतज़ार है अभी, इंशाल्लाह जैसे ही लंच आती है तो फिर खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे का सफ़र अपना जारी रखेंगे। हेरिटेज विलेज जो कि रियाद से 200 किलोमीटर दूर है, और हम उसको हम एक्सप्लोर करने आए हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं। तो आइए हम पहले लंच करते हैं। जो गाइड था हमका, जो खा रहे हैं, लंच का टाइम हो गया है। कितना बड़ा एफर्ट। खाना खाने के बाद हम इंशाल्लाह दोबारा आगे जाएंगे। हम अपने लोकेशन पर पहुंच गए हैं। ये हमारी लोकेशन है। बड़े खूबसूरत से अंदाज में इन्होंने पुराने स्टाइल में जो कच्चे घर होते हैं, इसी तरह ये आप देखें जेसर्स हाउस। ये पुराना स्टाइल, पुराने अंदाज में ओल्ड सिटी, खूबसूरत। जी अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये अरबी में लिखा हुआ ये म्यूज़ियम है।
म्यूज़ियम, इनके अंदर खुराम भाई बता रहे हैं कि ये म्यूज़ियम है जिसको हमें देखना है। ये अंदर का व्यू है और ये एक तराजू है, ऊपर लालटेन। ये पुराने स्टाइल में इन्होंने बनाया हुआ है, खूबसूरत। और ये जो एनिमल्स हैं, ये हम देख सकते हैं कि इनको केमिकल लगा के यहाँ रखा जाता है। खूबसूरत व्यू, बेस्ट। ये ग्लासेस, ये मजलिस, ये पुराने स्टाइल का उनके जो चीज़ें हैं, घर वगैरह हैं, जो जो चीज़ें हैं उनके रहाइश में वो यूज़ करते थे, तो उनके नंबर प्लेट्स हैं, उनके शूज वगैरह जो वो यूज़ करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स। और ये मेरे घर में कुछ खत हैं, अरबिक में लिखे हुए हैं। क्या बात है, क्या क्या आप दिखाते हैं अपनी टीम को, मैं सोच भी नहीं सकता। नासिर भाई, ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है, इरफान भाई की मोहब्बत प्यार है, ये आ गया मैं। और अभी तो हुरम भाई ने इससे भी अच्छे से प्लान किए हुए, इंशाल्लाह यू विल सी सून, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, पुराना बकाला है। ये अनिल भाई हमारे साथ हैं, कैसे ठीक ठाक। ये नादर भाई हमारे, और ये नादर भाई, भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और ये लालटीने हैं, कैवर की कैटल्स हैं, और हमारे ये उनकी पुरानी चीज़ें सारी रखी हुई हैं इन्होंने, जिस तरह वो हमारे पाकिस्तान में यूज़ होती थी वो जूती हैं इनके भी पास, वही एक कल्चर है, बहुत अच्छा सा। ये कैटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, पेप्सी की जो डिफरेंट टाइप हैं वो उनकी जो पुराने ज़माने से चलती हुई आ रही है वो भी पड़ी हुई हैं, मतलब पुराने दौर की हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, ग्रेट। ये एक्चुअली कलेक्शन करना भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये टेलीविज़न यहाँ पर मुझे नज़र आया है, टेलीविज़न भी है, आयरन है, और रेडियो पुराना, ग्रेट। अच्छा, ये पूरी की पूरी मार्केट बनी हुई है, ये रास्ता बना हुआ है, ये पुराने घर बने हुए हैं। अब्दुल रहमान, ये دار المشراق دار المشراق this famous house in Ushaiger up to maybe 25 ambassadors visit this house up to maybe 100 diplomatic groups to many groups same your friends your family welcoming for all. Thank you so much. Also, tell us something about this school. Yeah, before 90 years ago, this village school in Ushaiger. 90 years. Yeah, but in old schools near mosque before 700 years ago. Yeah. Near Ushaiger, you can smell authentic. MashaAllah. Yeah. MashaAllah. And welcome our country. Thank you Land so much. Land of peace and love. You know the magic eyes in the door. Yeah, the same design. Oh. If you any visitors, come like that. The door, go the up and see. See who is there. Yeah. Okay. And see who the visitor. Meaning you eat. You know what I mean? You eat. Look at by hiding. ये ओशेगर का अंदर वाला जो है एरिया है जहाँ पर हम घूमने के लिए आए हुए हैं, बहुत नाइस प्लेस है। ओल्ड व्यू है, ये खजूर के दरख्त, खूबसूरत। ये
अंदर एक वो मॉस्क है, ये मॉस्क बना हुआ है अंदर। ये पुराने घर हैं, हर घर के ऊपर लालटीन है और ये विंडो है, पता नहीं क्यों ये छोटा सा रूम है। ये करम भाई हमें बता रहे हैं कि ये करम भाई ये किस तरह ये आपने बनाया है। बनाया कि उन्होंने बनाया, लेकिन ये ओरिजिनल हालत में है, कुछ उन्होंने मेंटेनेंस किया हुआ है, लेकिन ऐसे टीजी है, ऐसे ही ऊपर पत्ते, कोई अल्ट्रेशन नहीं की है, अल्ट्रेशन नहीं की हुई, जस्ट उन्होंने मेंटेनेंस की हुई है। अच्छा था बाग में जाने का, ये रास्ता बाग में जाने का, और ये यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि कुआं भी है जो कि ये पुराना लुक दे रहा है। ये आप गलियां देख रहे हैं हेरिटेज विलेज की। अच्छा, ये वो कांटे हैं जो हमारे पास भी इसी तरह के कांटे होते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये हालांकि एज इट इज़ इन्होंने रखा हुआ है इस चीज़ को, ये डिस्ट्रॉयड हैं कुछ चीज़ें। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी का क्रॉसिंग है, और ये पुराने घर माशाल्लाह से जिस तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, रियली अमेजिंग। हम अंधेरों से गुजर रहे हैं अभी, यहाँ लाइट चली गई है। इनका जो है ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं। अच्छा, ये घर बने हुए हैं, ये इनकी बालकनी, भी बाहर निकल सकते थे, इधर इनका ये रोटियां पकाने वाला कुछ रखा हुआ था, ये तंदूर की टाइप मेरे ख्याल में ये छोटा सा है, इसमें मेरे ख्याल में जिन वगैरह भी होंगे। ये ये ऐसी प्लेस है जहाँ पर जिन होने का खदशा है, तो मैं खुरम भाई के साथ जा रहा हूँ। नहीं, खुरम भाई अगर कोई देखें इनकी, ये देखें ये मतलब पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन है नई मॉडल नहीं, पुरानी है, लोग रहते थे उस वक्त। ऊपर देखें छत, ये छत है, और ये टेबल छोटा सा बना हुआ है इनका, ये गुरफा नोम मेरे ख्याल में जिस तरह हम कहते हैं वो इनकी। ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनकी जो है ये फर्स्ट फ्लोर है, गिर भी सकता ना। हाँ, ये इनकी पिलर देखेंगे। अच्छा, ये पुराने जिस तरह हमारे घरों में भी ऐसी इस तरह की जो है खिड़कियां होती थी, और ये देखें ये इनकी छत टूटी हुई है, मगर इनको दाद देनी चाहिए कि जिस तरह इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये फैन देखें, ये उनकी पुरानी सारी चीजें हैं, ये पड़ी हुई है। रेडियो बहुत पुराना, ये गुरम भाई। अच्छा, ये सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है इनके जो इस्तेमाल में होती थी, ये सारी। Thank you.
ये खूबसूरत व्यू पुराने घरों का और ये सर्विस स्टेशन लग रही है मुझे पुराने टाइम की कोई। ये देखें पुराना घर, बिल्कुल पुराना। ये लालटेन हर जगह उन्होंने मेंटेन की हुई है खूबसूरत अंदाज में, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या है अंदर? 1500 साल पुराना लंबा, बहुत ही पुराना कुआं। ये हिस्टोरिकल कुआं आप देख रहे हैं, अंदर कितना डीप है ये देख रहे हैं, बहुत ही डीप कुआं। जी दोस्तों, हम आ गए हैं अब नमाज मगरिब की पढ़ के और इशा की पढ़ के फारिग हो के अभी हम पहुँचे हैं। टी स्पॉट बना हुआ है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी चाय का वक्फा है, चाय पीते हैं। ये चाय का स्टॉल लगाया हुआ है और ये मेरे ख्याल में चाय पक रही है। ग्रेट खजी खजूरें भी पड़ी हुई हैं, ये इनकी बका रहे हैं। ये बटका, ये देखें कब्सा रस, कब्सा दजाज, जरश मरपोक, और ये सारे की चीज़ें जो है ना माशाल्लाह से गरम हैं, पड़ी हुई हैं। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्पॉट इन्होंने बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं। एक लुक दिया हुआ है, एक अट्रैक्शन पैदा की हुई है लोगों की आने की। और ये आप देख सकते हैं ये सुबह बनाया हुआ है। अच्छा, ये वही स्पॉट है जिस तरह हमारे गांव में एक खूबसूरत बाग बने होते हैं, वहां पर उन्होंने एक लोकेशन क्रिएट की हुई है। अच्छा है स्पॉट माशाल्लाह। ये इन्होंने मजलिस बनाई हुई है, ये इन्होंने खूबसूरत वॉल बनाई हुई है। ये कॉफ़ी शॉप कह लें, इनकी सेटिंग कह लें, इनमें फैमिली गैदरिंग की भी इन्होंने जगह रखी हुई है फैमिली के लिए। ये पूरा स्पॉट इन्होंने बनाया हुआ है, पुरसकून माहौल, पुरसकून ज़िंदगी इसी को कहते हैं। ये हमारी सारी फैमिलीज आई हुई हैं। जी दोस्तों, चाय का लंबा ब्रेक हो गया हमारा और चाय के बाद हम अभी निकले हैं वापस सफ़र के लिए। हमारे साथ वसीम भाई भी हैं। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, खूब इंजॉय किया, चाय को इंजॉय किया। सारा दिन काम करते रहते थे, आज इंजॉय किया, आज का दिन बहुत मज़ा आया। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। और ये है हमारा छोटा सा आज का ट्रिप, अभी कंटिन्यू है, अभी हम आगे फिर जा रहे हैं बस की तरफ। ये वही लोकेशन है जहाँ से हम एंटर हुए थे और इस हेरिटेज विलेज में ये नाइट व्यू है, आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप बना हुआ है जहाँ पर लोग चाय पीते हैं, कहवा चाय, शाही चॉकलेट्स वगैरह यहाँ मिल रहे हैं। और हम वापस भी इसी रोड से बाहर निकलेंगे। जो नम मन बुलाता
जी दोस्तों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हम खैर खैरियत से और सफ़र से हम फारिग हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त, और अभी भी हम बस से उतरे हैं। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हमने कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो ये रहा आज का हमारा सफ़र, और बहुत मज़ा आया हमें। बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत इन्जॉय करेंगे अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप बैचलर भी जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ एक्चुअली देखने की है कि सऊदी अरब का पुराने घर किस तरह थे, कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते थे, और क्या क्या उनके पास होता था, और वो किस तरह रहते थे। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ हेरिटेज विलेज में मिलेंगी। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और आप लाइक करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जाते हैं, किस तरह जाते हैं, और वो आपको उसी वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।